यार मेरी बीवी की तस्वीर क्यों काट दी? हम लोग ये पूछना चाह रहे थे कि ये ड्रामे की तो नहीं है। नहीं, ये असल शादी की है। आई रिमेम्बर, ये बिल्कुल जेन्युइन है। एक्सप्रेशन देखो ना, शादी की एक्सप्रेशन मुरझाया हुआ और एक बात बता, इतने शर्मीला भाभी ने घूंघट उठा था आपका, क्या फर्क पड़ता है मैं उठाऊं या वो उठाए की बात। हम भी इस प्रोसेस से गुजरे हुए हैं, हमें पता है कि कौन कितना खुश होता है। अपने अपने नसीब दी गल होंदी। यू नो आई एम नसीब विक्की। तो शादी के बाद नसीम विक्की बने। हां जी, आईगेड़े मार घोटना नारन मट्टे ले ओके पुछ लेने हैं। ओ कह रहे ने के थोड़े ब्याह ते जुत्ती लुखाई दी रस्म हुई सी? हां हुई थी। जूता छुपाई की रस्म नहीं होती है। अच्छा, वो दूल्हा को अल्टीमेटम दी जाती है, अब भी वक्त है नंगे पैर भाग ले। इनकी जब शादी हुई थी ना, दूल्हा छुपाई की रस्म हुई थी। बात यह है कि जहां हम खड़े होते हैं लाइन वहां से शुरू हो जाती है, वहां से शुरू होती है, वहां से शुरू होती है। और लेजेंड कुमार बन, अमिताभ बच्चन दा बकरा ना बन। सिर्फ इन्ना दस के केड़ी लैंड दी गल कर रहे हैं? वो लाइन जो आजकल यूटिलिटी स्टोर पे सस्ते आटे के लिए लगी होती है। बट जी, यूटिलिटी स्टोर से बाहर इन्नी देर लैंड च खिलौना पैंदा है कि उथों लिया होया आटा चक्की दे आटे तो भी महंगा लगता है। जेम्स कैमरन, आप ठीक कह रहे हैं। यस, लेजेंड कुमार, आस्ते बोलो यार, दिल में दर्द होता है, बताया ना। आप कुकिंग ऑयल के बारे में तो भूल ही गए हैं, वो पहले 180 पे था और अब 550 हो गया है। एग्जैक्टली और अगर यही हाल रहा, मेरे ख्याल है अगले समोसे पेट्रोल में फ्राई हो रहे होंगे। खातिर 24 जून को आप देखने जा रहे हैं रहबरा, पाकिस्तान के तमाम सिनेमा घरों में लग रही है। कह दो ये झूठ है केबी, कह दो ये दुनिया हमें कभी खुश नहीं रहने देगी। बच्ची नहीं केबी, माना कि मैं एक बहुत बड़े शो का होस्ट हूं, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं कि एक अमीर लड़की से एक गरीब होस्ट शादी नहीं कर सकता। बच्ची नहीं केबी, आखिर कब तक ये दुनिया हम दोनों के बीच में दीवार बनी रहेगी? बच्ची आप क्या पोर्टो फिल्मी सिचुएशन से खेल रहे हैं? तो और की मैं गुल्ली डंडा खेला। शो स्टार्ट करते हैं। अरे हाँ, ख्वातीन हजरात, कॉमेडी ग्लैडिएटर्स के साथ बादशाह सलामत के साथ और केबी के साथ आप बच्ची को देख रहे हैं इन सुपर आवर। कैसे हैं सब जी? ओके बच्ची। ख्वातीन हजरात, अभी हाल ही में बहुत बड़ी तब्दीली आई है पाकिस्तान के अंदर। ओ वाली ने सारे नु पता है। मैं बात कर रहा हूं हमारे सिनेमा घरों के अंदर एकदम हलचल आई है, फिल्में आई हैं, लोकी आए हैं, मामे फुफी चाची मामे ताए सब आए हैं और पॉपकॉर्न्स के अंदर रिकॉर्ड बिजनेस हुआ है ना। मुझे हमेशा से लगा है कि इस हैंडसम से पप्पू भट्ट में एक रंगीला छुपा हुआ है। ये कहते ही कुड़िए। बट ऑन अ सीरियस नोट, कभी किसी डायरेक्टर का आप पे कोई ध्यान नहीं पड़ा? अरे इतने डायरेक्टर्स का मेरे पे ध्यान पड़ा है, लेकिन कभी किसी प्रोड्यूसर का उन डायरेक्टर पे ध्यान नहीं पड़ा। बच्ची, बॉस बेबी जब अपनी सकील सी उर्दू में इंग्लिश का तड़का लगा देते हैं ना, तो सिचुएशन क्या एंटरटेनिंग हो जाती है। बच्ची, काश कि हमें पता होता, देयर इज नो बिस लाइक शोबिज, तुबा खुदा यशराज हमारे सामने ऐसा होता जैसे वॉशिंगटन के सामने मुगादेश। पता है क्या होता है? बट जी, हम सब जानते हैं, हम तो आपकी जहानत का इम्तिहान ले रहे थे। आलमपना मुगादेशो शुमालिया का कैपिटल है। यहाँ कौन बनेगा करोड़पति, मत शुरू करे, आज का सिपाहनामा सुनाया जाए। खवातीनो हजरात, अभी हाल ही में जैसे मैंने आपको बताया फिल्मों का एक भौचाल आया था, आज हमारे साथ मौजूद है द स्टार कास्ट ऑफ फिल्म रहबरा, जो कि अब हमारे सिनेमा घरों में लगने जा रही है। प्लीज वेलकम द फाइनेस्ट एक्टर पाकिस्तान हैज एवर प्रोड्यूस्ड, सम कॉल हिम मेथड मैन, आई कॉल हिम एहसन खान। अलोंग विद हिम कम्स द ब्यूटिफुल, द रैविशिंग, द एवरग्रीन, वन एंड ओनली आयशा उमर।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बैठिए बैठिए। ख्वातीनो हजरात, हमारे स्टार्स तो आ गए हैं, लेकिन इनके साथ हम बुलाने जा रहे हैं फिल्म के माँ बाप को, जिनके बगैर फिल्म वाकई नहीं बन सकती। प्लीज वेलकम द डायरेक्टर एंड द प्रोड्यूसर ऑफ द फिल्म रहबरा, अमीन इकबाल साहब एंड सायरा अफजल। अहमद, आपने हमें माँ बाप कहा, मैं बाप बन चुका हूँ, अभी ये मानी। सलामुअलैकुम अब्बू, सलामुअलैकुम मम्मी। अमीन साहब, बहुत बहुत मुबारक हो, आपके दोनों बच्चे बड़े पप्पू हैं, बड़े खूबसूरत हैं। और सबसे पहले एहसन, वेलकम टू द शो। आयशा, वेलकम टू द शो। मुझे बताइए, फिल्म रहबरा में आपका कैरेक्टर दूसरी फिल्मों से कैसे डिफरेंट है? रहबरा एक बहुत ही खूबसूरत फिल्म जो कि बहुत मेहनत से बनी, और मुख्तलिफ कैरेक्टर इसलिए है कि बहुत सालों से मैं थोड़े डार्क कैरेक्टर्स, थोड़े नेगेटिव, कुछ और तरह से एक्शन थ्रिलर इस टाइप की चीज़ें की हैं। ये एक, हाँ ये वाला, ये बट सब बिल्कुल, ये तो पता है, ये एक मैं समझता हूँ जो किसी भी हीरो का फिल्म करने का एक ड्रीम होता है कि उसको एक खूबसूरत टिपिकल हीरो जिसमें वो लड़की की जान भी बचा रहा है एक्शन करके, जिसमें खूबसूरत गाने भी गा रहा है, जिसमें वो इमोशनल भी है, जिसमें वो मोहब्बत भी टूट के कर रहा है, तो वो जो तमाम एक खसूसियात एक फिल्म और एक हीरो के कैरेक्टर में होनी चाहिए वो रहबरा में है। लेकिन आयशा, आप जीरो से, मेरा ख्याल डबल जीरो पे जा रही है, मतलब जैसे सुपर हिट फिल्म रीमा और शान के लिए बुलंदी थी, आप एक्सपेक्ट करिए कि रहबरा भी वही आपके लिए करियर के अंदर माइलस्टोन होगा? बिल्कुल, उससे भी ज्यादा इंशाल्लाह। और इस कैरेक्टर में आपने आने के लिए कितनी प्रेपरेशन की? कितनी प्रेपरेशन की? काफी, एक्चुअली। दो दिन रोटी छाटती नहीं, मुझे तो बल्कि अमीन साहब ने कहा थोड़ा वेट पुट ऑन करो कि पंजाब की लड़की तो लगो। मैंने कहा अच्छा, फिर मैंने खाया, छुप के नहीं खाया, मैंने कहा आई स्वेयर मैं बहुत खा रही हूँ अमीन साहब, तो मैंने कहा चढ़ ही नहीं रहा। नहीं नहीं, ये बात बिल्कुल सच है, आयशा ने इतना स्वाद मिट्टी खाया है। आयशा ने नहीं चढ़ा। नहीं, लेकिन मैंने प्रेप किया, बहुत लहजे पे काम किया, हुलिये पे काम किया, स्टाइलिंग वर्कशॉप्स की, किस तरह लाइनें बोलनी है, और यू नो मैं बहुत ज़्यादा इस चीज़ के बारे में कॉन्शियस थी कि मैं कोई और कैरेक्टर जो प्ले करती हूँ, जो एक साल मैं काफी सालों से कर रही हूँ, बुलबुले और खूबसूरत का कैरेक्टर, एक आइकॉनिक कैरेक्टर है वो। हाँ, तो कि मैं उसके जैसी ना लगूं। हाँ, क्योंकि यू नो खूबसूरत मेरी रग रग में बस चुकी है, तो वैसे भी खूबसूरत हूँ। नहीं नो, बट चले गुजारा है। और दूसरा कि पंजाबी लहजा ऑथेंटिक लगे, ओवर द टॉप भी ना हो, ज्यादा ओवर भी ना हो जाए और अंडर भी ना हो, तो ये अमीन साहब के सारे कारनामे हैं। एहसन खान, ये फिल्म तो 2017 में शुरू होनी थी। नहीं जी, मैं बिल्कुल आपको बताता हूँ, 2017 में हमने साइन की थी मेरा आयशा ने, 2019 में हमने फिल्म शुरू की, 2020-21 आप जानते हैं सब कोरोना की नज़र हो गया, समहाउ वी मैनेज टू कंप्लीट द फिल्म इन 2-3 ईयर्स, और अब माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कोरोना इज ओवर, तब रिलीज का एक टाइम भी इसका आ गया, तो ये सारा सिलसिला रहा। लेकिन इतनी ताखीर क्यों? हम तो आयशा उमर को सिल्वर स्क्रीन पर देखने के लिए तड़प रहे हैं।